ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के षष्ठम सत्र के 20वें दिन शुक्रवार को विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन इस सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायकों ने अपनी फजीहत करवा ली। वो तो सभापति राजेंद्र पारिख ने सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित कर जैसे तैसे बात रख ली। दरअसल शुक्रवार को नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस के दौरान सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के विधायक सदन से गायब हो गए। इस पर विपक्ष ने मौका देखकर वॉइस वोटिंग के समय मत विभाजन मांग लिया। इस पर सभापति ने इनकार कर दिया। उधर जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायकों को भागकर सदन में आना पड़ा। इधर विधेयक पर बहस के बाद मत विभाजन की मंजूरी नहीं देने से नाराज भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सभापति से कहा कि यह हमारा अधिकार है और अब बिल को पारित नहीं करवाया जा सकता। सभापति ने मत विभाजन की मांग नहीं मानी तो भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। इस बीच कांग्रेस के जो विधायक सदन से चले गए थे वे भी वापस आ गए और कांग्रेस का संख्या बल भाजपा से ज्यादा हो गया और बिल पारित करवाया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस विधायकों की विधायकों पर बहस में बेरुखी साफ दिखाई दी। मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री इस पर निगरानी भी रखते हैं, लेकिन उनसे यह बड़ी चूक हो गई। बहरहाल विपक्षी विधायकों के जोरदार हंगामे के बीच ही नगर पालिका संशोधन विधेयक और विद्या संशोधन विधेयक पारित करवाए गए और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर 20 दिन चला विधानसभा का यह षष्ठम सत्र प्रदेश के लोगों को बजट के रूप में बहुत सी खुशियां देकर गया। बिना कोई टैक्स लगाए सीएम अशोक गहलोत ने बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया। हाँ, विपक्ष बजट से तो खुश था, लेकिन यह पारित कैसे होगा इसकी चिंता सीएम गहलोत से ज्यादा विपक्ष में नजर आई। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।